सो हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू मेरे यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं A80 और A70 के बारे में। इस तरफ हमारे आ रहा है A70 और इस तरफ हमारा है A80। दो सेल फोन्स हैं, दोनों अमेजिंग है, बट हाल ही में लॉन्च हुआ है A80, उससे पहले लॉन्च हुआ था A70। जो ए सीरीज आ रही है सैमसंग की, वो S10 को बीट कर रही है और उससे ज़्यादा पसंद की जा रही है अभी के टाइम पर, क्योंकि इसमें वो फीचर देखने को मिल रहे थे जो हमें S10 यानी सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिल रहे हैं, उससे कुछ अच्छे मिल रहे हैं। तो डैट्स वाई इसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में A80 और A70 के अंदर कंपैरिजन और उसमें डिफरेंस और क्या फीचर्स हैं, क्या बैटरी है, क्या रिव्यू है, क्या सीपीयू है और ओवरऑल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें और ऑल के ऊपर चेक मार्क कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइज, डिस्कस करते हैं A80 A70 के बारे में। तो सबसे पहले जो निकल के बात आ रही है वो आ रही है इसके कैमरे के बारे में। तो जो मेन फीचर्स के अंदर देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल जाता है इसका कैमरा सेटअप। दोनों में ट्रिपल कैम है, बट अगर हम बात करें इन दोनों कैमरा सेटअप के अंदर क्या इनोवेशन है, तो A80 के अंदर मोटोरोला कैमरा है जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम अदर हैंड देखें A70 के अंदर, तो मोटोरोला कैमरा नहीं निकलता, बट उसमें 32 मेगापिक्सल का हमें मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। उसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। बट अगर इसी को हम उल्ट करके देखें अदर हैंड, तो हमें दो मेन कैमरा देखने को मिलता है A80 में, वो है 48 मेगापिक्सल का, और अगर हम बात करें इसके वाइड एंगल लेंस की, तो हमें 8 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिल जाता है और TOF 3D शूट के साथ हमें देखने को मिल जाता है। इन दोनों कैमरा में वो HDR सपोर्ट करता है और आई थिंक इसमें हम नेटफ्लिक्स के ऊपर अच्छी अच्छी मूवीज देख सकेंगे HD क्वालिटी में, जिसके ऊपर विद 0 lag, विद 0 FPS ड्रॉप एंड अदर हैंड अमेजिंग। और ये दोनों 2080 पिक्सल तक शूट करते हैं एट 30 FPS। तो दोनों फोन में ये टाई हो गया। अगर हम बात करें फ्रंट कैम के बारे में, तो A80 में जो हमें देखने को मिलता है वो है मोटराइज, जो कि पॉपअप कैमरा है, जो बैक के ऊपर है वही फ्रंट के ऊपर मोटराइज है, तो वो फ्लिप करके फ्रंट पे आ जाता है। पर अगर हम अदर हैंड बात करें A70 के बारे में, तो A70 के अंदर नॉच डिस्प्ले के ऊपर कैमरा देखने, जो कि नॉच वाला कैमरा है, नॉच में थोड़ा सा कैमरा देखने को मिल जाता है, वो है हमारा 32 मेगापिक्सल, वो भी 2160 at 30 FPS तक शूट कर सकता है, वो भी 32 मेगापिक्सल का है। तो मे बी सैमसंग का काफ़ी अच्छा इनोवेशन है कि एक मोटराइज और एक नॉन मोटराइज कैमरा। बट अगर हम बात करें दोनों में डिजिटल जूम देखने मिल जाता है, इसके अंदर हमें HDR देखने को मिल जाता है, इसमें अंदर हमें ऑटो फोकस देखने मिल जाता है और साथ ही साथ में इसके अंदर हमें टाइमर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आम सेल फोन में देखने को मिल जाता है। बट अगर हम बात करें इसके लेंथ, विड्थ और वेट के बारे में, तो A80 और A70 A80 जो है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आता है और A70 जो है नॉन एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आता है, जिसकी वजह से A80 का थोड़ा सा वजन ज़्यादा होगा, जो कि 213 ग्राम है। अगर हम बात करें A70 की, जो आ जाता है 180 के लगभग ग्राम में आ जाएगा, जो कि नॉन एल्युमिनियम है और प्लास्टिक बॉडी में। अगर हम दोनों सेल फोन्स के बारे में डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो दोनों है सुपर AMOLED डिस्प्ले, और अगर हम बात करें दोनों के वाटर रेजिस्टेंस हैं, तो भाई इन दोनों में आपको कोई सेल फोन भी वाटर रेजिस्टेंस नहीं, वाटर प्रूफ देखने को नहीं मिल जाएगा। अगर आपका सेल फोन पानी में गिर जाता है तो भाई वो गया। तो दोनों सेल फोन की रेजोल्यूशन की बात करें, तो 1080p × 2400 आपको देखने को मिल जाएगा इन दोनों फोन के अंदर रेजोल्यूशन, जो कि अगर आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर आप मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी रिलायबल है। तो अगर हम बात करें दोनों के सेल फोन के अंदर चिपसेट के बारे में, तो दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है, बट जो A80 उसमें लेटेस्ट है और जो A70 उसमें थोड़ा सा पुराना। अगर हम A80 के बारे में बात करें तो 730, और अगर हम बात करें A70 के अंदर 675, यानी कि 675 और 730 देखने को मिलता है A80 में 730 और A70 में 675 स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें CPU के बारे में, बात करें A80 में 2.2 GHz का ऑक्टा कोर, और अगर हम बात करें A70 के, तो हमें 1.8 GHz ऑक्टा कोर देखने को मिल जाता है दोनों सेल फोन के अंदर प्रोसेसर। बट अगर हम बात करें इन दोनों के GPU के बारे में, दोनों सेल फोन के अंदर हमें एडिनो का GPU देखने को मिलता है, A80 में 618 है और A70 में 612 एडिनो GPU यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी सेल फोन के अंदर देखने को मिलता है। सैमसंग के मोस्टली सेल फोन में एडिनो का GPU आ रहा है और काफ़ी जुलम ढा रहा है अदर सेल फोन के ऊपर, जो कि काफ़ी अमेजिंग है, यानी कि पूरे शिशके पूरे करता है। HD के ऊपर गेम्स होती हैं, और अगर हम गेम्स के बारे में बात करें, तो इन दोनों के सेल फोन के ऊपर गेम्स काफ़ी मज़ेदार होने वाली हैं, और अगर आपको देखना है तो उसके ऊपर वीडियोस और यूट्यूबर्स में डाली हुई गेम रिव्यू पर, उसके ऊपर गेम्स भी आपकी हाई पे चलेंगी विद 9 lag। PUBG जो कि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी HD के ऊपर चलेगी और 60 FPS टॉप पे चलेगी, जो कि आप बाद में क्रैक करके 60 FPS पर शूट करके खेल सकते हैं, बट नॉर्मल 30 FPS होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर मिलेगा हमें 9.0 पाई। अगर हम स्टोरेज की बारे में बात करें दोनों सेल्फ उसके अंदर हमें देखने मिलते हैं 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, और अगर हम रैम की बारे में बात करें तो A80 में देखने मिलता है A80 जो कि एक ही वेरिएंट आता है, और अगर हम बात करें A70 तो 6 और 8 GB दो वेरिएंट आते हैं A70 में, तो दोनों में आप A70 में 6 GB मिल जाएगा और A80 में मिल जाएगा। और सारे साथ ही अगर हम बात करें बैटरी की तो A80 के अंदर हमें मिल जाती है 3700 mAh की बैटरी, और अगर हम बात करें A70 के बारे में तो उसके अंदर में 4500 mAh की बैटरी जो कि नो कमिंग स्लो है, बट दोनों सेल फोन में फास्ट चार्जिंग है तो दोनों सेल फोन इज़ नॉट कमिंग स्लो, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और अमेजिंग सेल फोन्स ऑफ 2019 A70 और A80 सैमसंग गैलेक्सी इज़ डूइंग रियली ग्रेट। तो अदर फीचर के साथ इसके अंदर आपको एक जो फीचर देखने मिल जाता है अभी के दौर में अभी चल रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले यूज़ हो सकता है, साथ में आपको NFC मिलता है, USB टाइप सी मिलता है, और ये फास्ट चार्जिंग है दोनों सेल फोन्स। और अगर हम बात करें इसके अंदर FM रेडियो मिल जाता है जो कि आम सेल फोन मिलता है, और आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन A70 और A80। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।